भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक रविवार को हाट पिपलिया में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, विधायक मनोज चौधरी, विधायक आशीष शर्मा सहित जिले के पदाधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा वैभव पवार का भव्य स्वागत नगर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर भाजपा की सरकार बनेगी और इसके लिए युवा मोर्चा सक्रियता से कार्य करेगा। कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सहित कई कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, किस संबंध में किया गया? भारतीय जनता युवा मोर्चा देवास की आज की कार्य समिति की बैठक, जिले की कार्य समिति जो हमारे जिले के सभी पदाधिकारी हैं उनकी एक बड़ी और बृहद बैठक। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नियमित और आगामी कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए राम सोनी जी ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया और एक बड़ी प्रभावी और सकारात्मक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी समय में क्या क्या कार्यक्रम करेगा और किस प्रकार से करेगा, हमारी विचारधारा को नीचे ले जाने का काम और आगामी समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा दो बड़े और बड़े प्रमुख कार्यक्रम करने वाला है। एक खिलते कमल कार्यक्रम हम लोग पूरे मध्य प्रदेश की धरा पर और देवास में भी हमारी पांचों विधानसभाओं में प्रत्येक मंडल को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे युवाओं को चिन्हित करेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेष योग्यता रखते हों। ऐसे युवा प्रतिभावान विद्यार्थियों को अपने कार्यक्रम में बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे और जो मध्य प्रदेश की युवा नीति आगामी समय में आने वाली हो, मध्य प्रदेश की युवा नीति किस प्रकार की हो, उसमें उन लोगों से राय लेने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में एवं प्रत्येक मंडल में ऐसे 100-100 युवाओं को चिन्हित करके पूरे देवास जिले में करेगा। देवास की पांचों विधानसभाओं में इस प्रकार के सम्मेलन के कार्यक्रम होंगे। इसके बाद खेलेगा मध्य प्रदेश, इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। उसी निमित्त देवास में भी यह कार्यक्रम होगा। यह यहाँ की पांचों विधानसभाओं में, यहाँ की प्रत्येक पंचायत जो 495 पंचायत और 80 वार्ड है, उन सभी की टीमें मंडल स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर इन खेलों का आयोजन होगा। इसी में हम खो खो, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और साथ ही साथ रस्साकसी और आर्म रेसलिंग, ऐसे ट्रेडिशनल खेलों को भी हम इसमें शामिल कर खेलने वाले युवाओं को इन कार्यक्रमों से जोड़कर पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक खेलों का आयोजन का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश और उसके साथ में हमारा देवास करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।